भारतीय किसान यूनियन के नवनियुक्त प्रवक्ता एवं प्रदेश प्रमुख महासचिव योगेंद्र कुमार यादव का सितारगंज में भव्य स्वागत किया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने इस कार्यक्रम में कहा कि सरकार किसानों से उनकी जमीन छीन रही है। प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने कहा कि सरकार ने भूमि को कई वर्गों में बांट दिया है। भूमि चाहे किसी भी वर्ग की हो, 12 वर्ष या अधिक समय से काबिज किसान को उस पर मालिकाना हक मिलना चाहिए। साथ ही करम सिंह पड्डा ने किसानों को MSP देने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के नवनियुक्त प्रवक्ता एवं प्रदेश प्रमुख महासचिव योगेंद्र कुमार ने कहा कि हम हमेशा से ही किसानों की लड़ाई लड़ते आए हैं, आगे भी हम गरीब किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। करम पड्डा जी का हमें आशीर्वाद मिला, भिंदर सिंह मान जी का मिला, भाई जिसका सिंह समाज तमाम उसे उनका सबका सहयोग आशीर्वाद में मिला और आज हम गरीबों की, नौजवानों की और खासतौर से जो हमारे जमीनों के मामले में फंसे हुए पूरे तराई क्षेत्र के लोगों को है, इनकी लड़ाई को बखूबी हम भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से गाँव गाँव जाकर सदस्यता अभियान चलाकर और बहुत ही जल्दी एक बड़ी मीटिंग का आयोजन करेंगे और उसके बाद हम इस लड़ाई को लड़ करके मुकाम तक पहुँचेंगे। हम ये मानते हैं कि जब तक इन लोगों को मालिकाना हक नहीं मिलेगा, भारतीय किसान यूनियन उनकी लड़ाई लड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा और मालिकाना हक। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।